हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं शाम के 7 बजे से, और आज से जो है हमारा, मेरा, मम्मी, मामा जी, मामी जी और प्रीति, हम 5 लोगों का जो है आज से एक टूर स्टार्ट हो रहा है। और कम से कम ये टूर चलेगा हमारा 10 से 15 दिन का। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली आज पहली बार हम लोग जो है ट्रेन में बैठने वाले हैं। आज से पहले हम लोग कभी ट्रेन में नहीं बैठे, मतलब टॉय ट्रेन में तो मैं बैठी हूँ जो सोलन से शिमला वाला जाता है, बट जो ऐसे लॉन्ग रूट वाला एक्सप्रेस सुपर फास्ट इस तरह के ट्रेन में मैं कभी नहीं बैठी हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट है और हमारी पैकिंग स्टार्ट है। हम लोग जा रहे हैं, वो नहीं बताऊँगी, वो आप लोग खुद देख लेना कि हम कहाँ पहुँचते हैं। तो हमारा 1 से 1.5 दिन का कॉन्टिन्यू सफ़र ही सफ़र है, मतलब ट्रेन में ही है, और सारा व्लॉग जो है ट्रेन से आने वाला है। वी आर रेडी, सामान सामान सारा पैक। ट्रेन है वो है रात के 11:30-12 बजे के आसपास है। तो हम लोग जो है डिनर यहाँ से करके जाएंगे घर से, और मामा जी हमको ड्रॉप करने आएंगे कालका तक। कालका से हमारी ट्रेन। सो अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी, रेडी शेडी हो गए, ऑलमोस्ट बैग बुक पैक है। मैं तो हो गई हूँ तैयार, मैं वो ही बिल्कुल पैक, सारा गर्म कपड़े पहन के। मामी जी और मम्मी जी का होना रेडी, बाकी है वो रेडी हो जाएंगे। तो उसको हम लोग 8:00 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, और कालका स्टेशन कैसा है क्या है डोंट नो, गई नहीं आज तक कभी। तो अभी जाके देखते हैं कैसा है। I'm so 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 excited। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और आप ही को करते हैं हम लोग बाय। बाय आपी, बाय, आराम से पहनना ठीक है, हम लोग जल्दी आएंगे ना। ओके ओके, बाय अन्नू। ठीक है, अच्छा ये पैक किया वो सब कुछ। हाँ जी, बाय नानी जी, बाय बाय, खूब एंजॉय करके आना। कहाँ है मेरी बेबी? बाय बेबी। और हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, सारे सारे बैग चेक किए, और ऊपर से ना बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बाय सबको। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कालका स्टेशन। मैं तो फर्स्ट टाइम पहुँच तो गए हैं हम, अब यहाँ से अंदर का नो आइडिया कुछ भी, फर्स्ट टाइम। और ये हमारा इतना सारा बैग, और यहाँ पे प्रीति पता करने गई है कि हमारी जो ट्रेन है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो ये है कालका स्टेशन, हमारा जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 2। हमारी ट्रेन तो लेट है, हमारी ट्रेन का टाइम है 11:55। तो अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, फिर भी प्रीति और मामा जी जो है वो कंफर्म करने गए, क्योंकि सारे नए हैं यहाँ पे, किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं। बस हमको ये पता है कि इतने बजे हमारी टिकट है, और A2 वाली हमारी बोगी है, बस ये सब पता है। तो वो लोग पता करने गए हैं अभी कि ये एक लगी हुई है ट्रेन, क्या यही है या दूसरी आनी है, तो वो कंफर्म करने गए हैं, और वो लोग आगे पता करके हमने पता किया। और जो ये ट्रेन लगी हुई है यही है हमारी ट्रेन, और अब हम यहीं से अंदर जाएंगे कि आगे जाने की तरफ जाना। चलो अभी चलो। ओह माय गॉड, ये वाला है हमारा, अंदर से ट्रेन ऐसी होती है। ये हमारा है, कौन सा हमारा, 13, 14, 15, वो मम्मी का सीट है वैसे तो। तो ये वाला है हमारा बर्थ, और हमारा ये वाला ऊपर नीचे, सीट हमारी जो है वो पीछे है। कौन सा नंबर है हमारा? लेफ्ट वाला है बोला, लेफ्ट वाला ये है ना, ए है वे मामा का, उधर भी चल जाएंगे साइड लोअर, ये साइड लोअर।
मेरे पर कोई और हाँ कोई और सोएगा यार सलाम देखो जाने का ये पौड़ियाँ स्टेज चढ़ने की वाह यार तू बड़ा ही अच्छा है सुंदर सा है ना। और जब हम निकल रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी पर ये हुई कि थोड़ी सी देर के लिए उसके बाद से हो गया था मौसम ठीक। अब मैं देख लेती हूँ कि ऊपर कैसे चढ़ा जाए और ऊपर जाके कैसा फील होता है। अरे भाई दिन ना सही है उतरना मुश्किल है। तो बताओ भी आप कैसा लग रहा है वहाँ फर्स्ट टाइम आगे आपको और मेरी नानी आपको कैसा लग रहा है सपने में भी नहीं था कि है ना सच में आपको कैसा लग रहा है अभी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है ट्रेन चलेगी तो लगेगा। और मैं बता दूं हम कहाँ जा रहे हैं मैं सोचा आप लोगों को सस्पेंस देती हूँ और बाद में जब पहुँच जाऊँगी तो बताऊँगी तो मेरे से रहन जा रहा है तो अभी बता देती हूँ हम लोग जा रहे हैं गया बहुत गया में तो वो पहुँचेंगे हम कल रात को 12 बजे ही पहुँचेंगे मतलब लगभग लगभग 24 घंटे का सफ़र है हमारा वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर भी अगर सब कुछ अच्छा रहा साफ रहा तो हम 24 घंटे में पहुँचेंगे मौसम ख़राब रहा या फिर धुंध की वजह से कहीं बार जो है ट्रेन डिले भी हो जाती है तो हो सकता है आगे पीछे का कुछ भी हो सकता है बट सो 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 एक्साइटेड एंड सो हैप्पी अच्छा है। उसके बाद मैं और मामू निकल पड़े हैं ट्रेन का मुआयना करने हम लोग चेक करने गए कि सारा ट्रेन हमारे जैसे ही है जो डिफरेंट है यार टोपी गिरी इधर किसी की आपकी है गिरी है चिक बदू अंदर बैठे हैं और मुझे और मामू को पीनी है चाय तो हम दोनों जा रहे हैं चाय पीने पास में एक छोटा सा स्टॉल लगा है शायद वहीं मिलती होगी पता नहीं है बट जस्ट जा रहे हैं पूछ लेंगे मिलती होगी तो पी लेंगे। ये है जी एक टी स्टॉल जहाँ पे शायद हमको चाय मिल जाएगी अंकल यहाँ पे अंकल यहाँ पे मामा जी जो है ये शॉप के ऊपर से गप्पे मार रहे हैं। ये होगी हमारी चाय रेडी और मेरी माता श्री सो गई बिल्कुल ही है या ना मम्मी को नींद आ गई मम्मी आपको बिस्तर लगा के देती हूँ हमारे को बहुत सारी सहूलियत दी हुई इधर जैसे कि बेडशीट और डबल है बेडशीट दिया हुआ है बेडशीट बिछाते हैं मम्मी के लिए बिस्तर पकड़ो तो यार ये कंबल वगैरह भी जो है इतने अच्छे हैं बेडशीट वगैरह सब कुछ पिल्लो सारा कुछ बहुत और रात के अभी बज रहे हैं 11:39 अब बस हम लोग सोने वाले हैं थोड़ी देर में टीटी आएगा टिकट विकट चेक होगी उसके बाद अब सोना ही है वैसे तो जब हम लोग मूवी वगैरह में देखते तो क्या होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रेन में बहुत चोरियाँ होती है वैसा बहुत कुछ होता है मतलब ऐसा ड्रामा वाला सिनेरियो रहा है हमेशा से मेरे लिए तो जो ट्रेन का और ऐसा देख के को तो खुशी लग रहा है बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तक तो बस भगवान तबीयत ख़राब ना हो क्योंकि जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ खिड़की भी नहीं खुलती है सो गए अब ये नीचे मम्मी और यहाँ पे मामी जी मामा जी की जो सीट है वो दूसरी तरफ है 35 नंबर पे किया। बाकी हम लोग सो रहे हैं यार वो ट्रेन है वो निकल पड़ी है कसम से फील भी नहीं हो रही कि ट्रेन चल रही है अब लग रहा है कि थोड़ा चल रहा है शायद अभी तक हम प्लेटफॉर्म में इसीलिए ऐसा लग रहा होगा जैसे वो पटरी में गड़गड़ गड़गड़ चलेगी साउंड भी नहीं आ रही इसमें क्योंकि इसकी खिड़कियाँ भी नहीं खुल रही है मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन का यार अब भी थोड़ा थोड़ा आगे भी जा रहा है गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे आज है 26 जनवरी एंड हम लोग अभी अभी उठे हैं सुबह क्योंकि रात को नींद ही नहीं आई थी रात तो हम लोग ने
लेटी उठे अभी क्या 8:30 या 9:30 बजे ऐसे पड़ा टाइम। और इस वक्त हम लोग पता नहीं किसी गांव के बीच से जा रहे थे खाते हुए। कौन सा गाँव गए, कौन सी जगह पता है ना कोई आता ना पता, बस जा रहे पता। और मामा जी ना दूसरी जगह सोए हैं तो हमको उठा के ले जाते। गुड मॉर्निंग मामा जी, चाय चाय भी खाए, कुछ भूख लगी होगी आपको, भूख लग रही, भूख लग रही, कहाँ पहुँचोगे हम। और अभी हम लोग जो घर से लाए हुए हैं ब्रेकफास्ट, वो खाने वाले सारे, क्योंकि हमारे को सुबह लग जाती है भूख। वालों की तरफ से भी ब्रेकफास्ट वगैरह है, तो मामा जी ने भी वो मंगाया है, ब्रेड ऑमलेट, और मामी जी खा रहे हैं परांठे। पूरे दिन ट्रेन में बैठ रहे तो सो के निकालना पड़ेगा, रात को तो सो ही नहीं पाए थे तो सो जाते, और क्या कर सकते, ऐसा होता है। ओहो, सरसों के लहराते खेत, हाय रामा रे लो सफर लंतेले, हाय रामा हाय रामा। तो आज के पूरे सफर में कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है जैसे कि मैं। रेल में सफाई तो बहुत अच्छी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो यहाँ सफाई कर्मचारी है वो आके साफ करके चला जाता है। बाहर देखते देखते सोते सोते अब लंच टाइम हो गया है, लंच में हमारे को खाने में दाल सब्जी चावल रोटी ये सारी चीज़ें दी हुई है, साथ में दिया है ये स्वीट भी जो थोड़ा देर से आया। तो काफ़ी देर हमने यहाँ पे वेट करा क्योंकि एक दूसरी ट्रेन का भी आने का समय हो रहा था, तो शायद कुछ टाइम लग रहा था यहाँ पे। फिर जैसे ही ये वाली ट्रेन क्रॉस हुई उसके बाद हमारी वाली ट्रेन जो है वो चल पड़ी। यहाँ पे हमारे को आई थिंक आधा या एक घंटा तक वेट करना पड़ा था। के बाद हमारे को जो है चाय का टाइम हो गया था, तो भैया यहाँ पे चाय लेके आए थे। और उसके बाद जो है एक जो रेल के कर्मचारी हैं वो आए और वो यहाँ पे हमारे से फीडबैक मांगने के लिए आए हुए थे, तो मामा जी यहाँ पे उनको फीडबैक देने लगे। सफर खत्म ही नहीं हो रहा है, तो लेट लेट के बैठ बैठ के ना जैसे जब हम आए ना उस समय इतनी एक्साइटमेंट थी, हाय आए मज़ा आ रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है 24 घंटे कब खत्म होंगे। और अभी यहाँ पे भैया जो है रात के डिनर का ऑर्डर लेने आए थे, और वो हमको ये बता रहे थे कि इलाहाबाद में जो है बाहर के लोग भी आते हैं, उनसे सावधान रहे। और यहाँ पे जो है ऐसा वॉश बेसिन है बाथरूम के बाहर। और रेल में ऐसे टॉयलेट होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी वॉश बेसिन है, और ये सूप मिरर। और इस रेल का जो आखिरी खाना खा रहे हैं हम अब रात का डिनर, इसके बाद हमें 2 तारीख तक कोई रहता है रेल का खाना नहीं मिलेगा। डिनर में सब्जी दाल चावल वही है जो दिन में था, एक्सेप्ट सब्जी थोड़ी चेंज है अभी रात में, आलू की सब्जी, आलू और बैंगन। तो देखो जी ट्रेन का लास्ट खाना है जैसे खा लो, इसके बाद हमारा कोई खाना नहीं मिलेगा ट्रेन का। थोड़ी सी देर में हमारा स्टेशन आने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपना सारा सामान निकाल दिया बाहर, ये सारे बैग वगैरह।
चुके हैं रात के 1 बजे और बस अब हम यहाँ से उतरते हैं क्योंकि हमको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैं आपको बाहर गया का स्टेशन दिखाएंगे। लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग उतरने वाले हैं अब। वाओ फाइनली हमारे इतने लंबा सफ़र ख़त्म हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया हमारे को। और यहाँ पे जो है चेवंग हमको लेने आ गया था गया स्टेशन में। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो जो छेबू है हमारे लिए गाड़ी लेके आया बुक करके हमको लेने के लिए गया स्टेशन में। चलो 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 बैठो। फाइनली हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे है हमारा घर, ये हमारे लैंडलॉर्ड। ओ तो काम चल रहे हैं बड़ा वाला घर खाली है तुम। अच्छा मिल गया हमको तो। हम लोग पहुँच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में हमारे रूम पे। अब हम लोग करेंगे रेस्ट क्योंकि बहुत लेट हो गया। 2 बज रहे होंगे आई थिंक, है ना बच्चे? 2 बज गए। ओह एग्जैक्ट 2 बज गए हैं। और जहाँ पे इन्होंने रूम बुक किया है ना भाई, बहुत सुंदर रूम है वहाँ पर। तो बाकी जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और अब हम लोग करते हैं रेस्ट। अपना ब्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।